हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक हो गए। सुबह के 8 बजे हैं और बच्चे उठ गए थे सारे के सारे 6 बजे। इन्हें जाना था ट्यूबवेल में नहाने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ट्यूबवेल इन्हें चलती हुई नहीं मिलेगी। इन्हें नहर में ही मुझे नुहा के लाने पड़ेंगे। यहाँ सारों को नहर आ रही है, नहर है हमारे यहाँ नज़दीकी। तो पापा जी कर रहे नाश्ता, पंखा तो चला रखा, वह सारी रात तो सोई नहीं, सारी रात तो रोई। अरिब जा सो गई आराम से, दूसरों की नींद आराम करी। आज अर्निका ने वंदना बना रही नाश्ता सबके लिए, किसी के आलू के पराठे, किसी के चिन्नी के पराठे, किसी की सिंपल रोटी, किसी के सिंपल पराठे। तो सब ने अपनी अपनी फरमाइश बता दी, वही बताते ही है सारे बच्चे। किसी का चिन्नी का पराठा, किसी और का आलू का पराठा, सर्व कर रही सबको। और ये देती देती ना किसी किसी को बोल रही बीच में ही कि किसी को क्या देना है क्या नहीं। मैं ऊपर एक बार दिया फिर बोल गया, बच्चों को देने के लिए चली गई थी ना, फिर वो कन्नु कहने लगा मुझे खिलाओ। और ये तड़के तक कुछ नहीं कर रहा, इसे मन्ना कहीं फेरी कह दिया, ऊपर तक गद्दे लिया था। गद्दों पर लोट रहे सारे, लोट नहीं रहे, लोट नहीं आए, नाश्ता कर रहे थे बैठ के। हाँ तो नाश्ता कर रहे हैं, लोट सारे काम करवा के ना मम्मा को आज भी बोल रहे बस। ऐसे इसे कहते हैं लड़ाई लगवाना। रात में सारे पंखे, एक दो चार पंखे, चार पंखे लग रहे थे ऊपर, चार पंखे तीन गद्दे, मेरा भाई तरह लेके गए। और फिर भी कह दे आलसी पड़ा रहा पूरा दिन, क्या लाया तू देख लो पूरी रात। वाह वाह, यही तो कमी है ना। और सुनो, इस तरह खातिरदारी कर रहा था जिस तरह उस शॉट में करते हैं, दामाद जी अंगना में पधारे, यंगे पंखा, दामाद जी ससुराल आए, यंगे पंखा, यंगे पंखा, यंगे पंखा, मगर ये तो वही खातिरदारी हो रही। एक कूलर लग रहा था हमारे आगे, उसमें भी नुगैर थे, जब ये सो जाएंगे हम अपनी तरफ गुजर का लेंगे। हम नुगैर हम तारा सर कामगे, हम तारा सर कामगे। आधे घंटे के बाद सबने चादर तान रखी थी, ठंड हो रही थी बढ़िया, ओस पड़ रही थी। और मैं तो नीचे आ गई थी, आधी मम्मी के धोरे, मगर मेरे पे तो ठंड नहीं आने के तरीके की नहीं करी या खाट पे लौट जाओ कोई तुम यहाँ से। ए मैं वहाँ भीड़ में पड़ी थी, वो भी के बात हुई चल उठा के जाती मम्मी का बोलेगी वो भी आई भी मगर ठीक है। मैं सोचे मैं फिर ये लौटे करने में लौट जब तक आज खाओगी। तो गाइस ये हमारे नन्ना जी, ये शर्माते हैं थोड़ा बहुत, इतना भी नहीं शर्माते, और ये झिंगी को लक्ष्मी कहते हैं। है नहीं या लक्ष्मी है, हाँ, है नहीं लड़की तो लक्ष्मी हो, पापा का ये से लक्ष्मी लक्ष्मी और मुझे सब पापा की टू को बता रहे हैं, ये अभी लक्ष्मी है और उसी को भी कह दे ये तो लक्ष्मी है, सब लक्ष्मी है, ये तो ये लक्ष्मी वाली वाली वासी, एक लक्ष्मी सॉरी, एक लक्ष्मी दो लक्ष्मी हमें। ये देखो पापा के तो दोरा लक्ष्मी लक्ष्मी हो रही कट्टी। तो कह रही पर सब जमीन में हूँ ना, मेरा ही तो नाम टिका था सबसे पहले। तो मैं तो हूँ पापा की टू कॉपी और वो भी है मम्मी की टू कॉपी। ये देखो सब कहते रहे अपने पापा की टू कॉपी है। और नंदनी लक्ष्मी है। तो गाइस अभी एक घंटे से गेट पे खड़े मैं और पापा, पापा तो परेशान हो गए, जालिए ना बुला रहे आ जाओ। तो आधे जिन्ने में हो गया पापा, ये कहाँ जा रहे, परस परस लेके दो बैग में उन्होंने गाड़ी में रखवा दिए। तेरी मौसी नु कह रही है कि लगी कपड़े और रख ले इसके मुंह से। तो ये सब तो गाड़ी में जाएंगे, मैं और मम्मा और चिंकी हम तीनों बाइक पे जाएंगे। चल बाइक निकलवा ले जल्दी, अभी एक गन्ने को निकालना पड़ रहा है यहाँ से। और इतना अरे हमारा लड्डू ना अभी उठा, बस उठते खेत में चल दिया ये भाई, चलो जल्दी चलिए। दे ये बता रही बुआ ने गाड़ी ले ली, मम्मी कह रही बुआ ने गाड़ी ले ली हमारी, बुआ ने गाड़ी ले ली हमारी। अभी वे सब चले गए गाड़ी में, हम तीन बाइक पे हैं, गाड़ी हमारे से आगे आगे चल रही बिल्कुल, अब बल्कि हम इनसे आगे निकल गए। माय नाना जी राइडर। अच्छा इनके नाना जी आ रहे साइकिल पे, तो ये कह रहे माय नाना जी राइडर। नन्ना चल दी आगे जाके साइकिल पे, दो साइकिल है तुम्हारे? हाँ दो साइकिल है, और छोटे वाले नन्ना जी इनके पहुँच लिए खेत में ही। तो अभी नाश्ता पानी सबने कर लिया और बिना नहाए बिना मुंह धोए वाला नाश्ता इन्होंने कराया आज, और अब चलते हैं खेत में। इनकी ट्रिप रहेगी और ये जो टूर रहेगा ये बिना नहाए धोए का ही होगा, क्योंकि खेत में जाएंगे फिर ऐसे ही हो जाएंगे।
वैसे इन्होंने कपड़े लत्ते अपने रख लिए दूसरे वाले चेंज करने के लिए, और इन हाँ सबके हैं सब, और इनका कहना है कि हम वहाँ पे ट्यूबवेल के हौज में नहाएंगे, स्विमिंग पूल में नहाएंगे, और इन्हें इनका टारगेट है कि भाई जो ट्यूबवेल के सामने वाला पूल होता है ना स्विमिंग पूल, उसमें ये नहाएंगे सब। और इन्हें कमिटमेंट हमने कर रखा था कल का ही, मैं भाई लेके चलेंगे, और इसीलिए हमने टारगेट तो रखा था सुबह 7 बजे चलने का, लेकिन 8:30 बज गए, क्योंकि भाई जनता जनार्दन ने ज्यादा है, घेर घार के इकट्ठे करने में टाइम लगे सबको, और एक दो आदमी हो तो जल्दी से निकल जाओ, और इसमें छोटे बड़े कच्चे पक्के सबका ही साथ है, बाकी तो हर साइज का बच्चा है हमारे साथ में, और बड़े बड़े साइज हम तो है ही। तो फिलहाल जा रहे हैं 12 पर, देखेंगे भाई पहले तो पता करेंगे कि बिजली आई नहीं, क्योंकि उससे तो चलेगी 12, ये वाली 12 तो बंद हो रही थी, बंद हो रही लो पहले, निराश मत करो, एक तो चल रही थी, एक चल रही थी पीछे और उसी ने देख ली, मैंने भी देखी, वाले हमारी वीडियो देख रहा हो तो देखो बिजली कैंसिल हो गया, मतलब खेत खाद भर गया थोड़ी सी ज्यादा देर तक, रो इस गर्मी का मौसम है, तो भाई उम्मीद करते हैं कि बिजली आई हुई मिलेगी और ये बच्चे निराश नहीं होने के, और विद्युत व्यवस्था चल रही थी, चलो फिर तो बहुत अच्छे बहुत बढ़िया, और उम्मीद करें कि भाई 11-12 बजे लो रहे आज ये बिजली, तार लगा के भूल ही जा बिजली वाले क्योंकि हमें पता चला कि भाई यहाँ 9 बजे तक सुबह खेतों की जो विद्युत व्यवस्था है वो सुचारू रूप से 9 बजे तक चले, उसके बाद में कट लग जाओ उसमें रात में आती है, तो भाई देखो किसका लक काम करे है, बहुत सारी जनता है, उम्मीद यही करता हूँ कि इनमें से किसी का लक इतना जोर मारे कि बिजली वाले तार लगा के भूल जाए। वैसे तो नहर भी है, एक छोटी सी नहर है, नन्नी नहर राजवाई टाइप के, यहाँ पे पानी इसमें भी आ रहा, लेकिन ये नहाने लायक नहीं है, यहाँ पे पानी सफाई नहीं है इस नहर, तो अब बस पहुँचने वाले हैं, थोड़ी सी दूर पड़ते हैं भाई खेत इनके रविहर के, घर से 2 किलोमीटर की दूरी पे होंगे लगभग, तो टाइम भी लगे जाने में। तो बच्चों जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलो बिजली माता की जय, एक और गई पीछे 12 भी चल रही वो भी चल रही है, ये जत्ती सारा बस पहुंच ही चाहिए, हां बहुत सारा आवाज लिकड़ी इसको, तो इतना कुछ खाया पिया भी नहीं, हां भाई वक्त तो भाई बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट है मम्मा के खेतों की सैर करना, इनकी 12 में नाना और उनके साथ में भाई हमें भी चलना पड़ रहा, और हेरने वाला भी तो चाहे ना कोई कंट्रोल करना भी जरूरी है, चोट फिर ना लगे नहीं, देखो कितनी सारे आम हमारे बाग में, बाग भी तो बहुत बड़ा, चारों तरफ आम ही आम लटक दे, बस बारिश हो जाती ना एक बार और बढ़िया सी, इसमें टक्कर लग जाता, तो ये आ गया हमारे आते ही, जल्दी चलो जल्दी जल्दी कूद जाओ, जल्दी जा जाके कूद जा भाई, मम्मी मतलब आ गई तुम्हारे से पहले, नंदनी करेगी से तो भाग के पार, आओ आओ सारे आराम से, आओ आराम से फटाफट जाओ फटाफट, वरी आर उसी तो पूरी पक्की है, चलो चलो ये है भाई वो होज जिसमें नहाएंगे इनका पूल, चल भाई हाँ जल्दी, ए देख गुड्डू भाई को पकड़िए, ओ कूद जा ये सांप नहीं है ए ले पकड़िए, अर्णिका आप भी नहाओगे, अर्णिका आप भी नहाओगे, चल नहा ले जाके जा, रुक जा रुक जा, ए चल तो पूरी पब्लिक जनता पार्टी हमारी पहुंच चुकी है भाई, और अभी टाइम जो है लिमिटेड है,
और आते ही इन्होंने इसमें देर नहीं लगाई, ताना शुरू कर दिया फौज में। चिंकी जल्दी नहा लो बेटा, आधे घंटे का समय तुम्हारे पास है, मतलब जो लाइट है उसका आधा घंटे का। बोबी चलो लगाओ छलांग इसमें। वाणिका, वाणिका को मेरे पास छोड़ दो। वाणी आ जा, आ जा बेटे, आप इधर आ जाओ। अभी बहुत छोटे बच्चे जो हैं वो बाहर नहा रहे हैं, देखो दो हो जाए यहाँ पे, एक छोटा भी है बाहर, उसमें छोटे बच्चे, ये भी ज़्यादा गहरा नहीं है, दो ढाई फीट गहरा होगा ज़्यादा। ये देखो इसने जो ये फड़ी ले रखी ना, इन्हें बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहा, कपड़े चेंज करवाने मुश्किल कर दिए इसने। पापा जी उसने मूंगफली बो दी यहाँ से, उसमें पानी दे दिया मूंगफलियों में। मूंगफली हो जाएगी? हाँ ठीक है, मूंगफली हो जाएगी, हो जाएगी ना मूंगफली। वानिका तू खाएगी मूंगफली? ए वानिका, ए वानिका खाएगी मूंगफली? मिट्टी लगा कर लाई है वहाँ से। कहीं के ये तो तोर वो है, है। काली तोरी दिखे तो हाँ। तो भाई जो हमें ये पता होता बच्चों का यहाँ पे इतना मन लगने वाला है पेड़ों की छाँव में, नेचुरल हवा में, खेतों के बीच में अपने, तो हम यहीं पे खाना बनाते, आज गैस का चूल्हा यहीं था लगते, मम्मी का पैक करवा के घर भेज देते। 5 किलो वाला भी खाओ बताते तो मिले, 5 किलो वाला है और ये एकदम वे है, वे वाले पके पकाए है ताजे। तो नुका था मगर बाग में लेके चलेंगे जा, तो बाग में वहां से गाड़ी गोड़ू जाने की नहीं, वहां से बटिया पटिया भोग गए, पैदल ले चलते। हां बटिया भोग गए, लंबा है बहुत। अजी हां ये देखो ये आ गए हैं, आम लो आम लो, ऐसे ऐसे आम है, इतने बड़े बड़े आड़ू जामुन कचरा खीरा और इन सब की पार्टी की अपार सफलता के बाद है, अजा होने के पूरे पूरे चांस है। हां पेश है अब आम पार्टी, सारा मिक्स ना कर लियो डंगा, कुछ गैप लेकर खा लियो ठीक है। आप खाओगे? मैं। अच्छा ये भी खाओगी वाणी? और कन्नू मीठा है ठीक है, कन्नू इसका रिव्यू दे भाई कैसा आम? मजा नहीं आया? खा लेंगे। नहीं भाई यार तुझे स्वाद का ही नहीं पता चला इसके कैसा। गर्मी का एहसास तो भाई यहाँ है नहीं, हवा लग रही है बहुत दूर दूर तक खेतों वाले, और पार्टी भी यहाँ देसी चल रही, फल जो अवेलेबल है यहाँ से खेत में सब्जियाँ वही वाली की पार्टी चल रही है, बाहर से अभी कुछ नहीं आ रहा है। कुछ बंदों ने इनमें से डिमांड करी थी बाहर वाली पार्टी की, लेकिन जो बहुमत था वो बाहर वाली पार्टी के खिलाफ था ज़्यादातर, तो इसलिए वो कैंसिल कर दी गई हैं। तो अभी चीज़ें खिला रहे हैं इनको प्राकृतिक वाले यहाँ से, बगल में आम का बाग है, आम लाए हैं वहाँ से। पहले तो ले जाने की प्लानिंग थी इनकी सबकी, मगर अपने हाथ से तोड़ कर पके हुए नाम लाएंगे ये सब, लेकिन फिर कैंसिल हो गया प्रोग्राम कि भाई आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए जनता।